नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं डिजिटल एडवाइस। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है CCC ऑनलाइन क्लास का। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाइए। जो लोग जुड़ चुके हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको CCC से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी वो आपको क्या होती रहेगी, मिलती रहेगी। रिजल्ट, एडमिट कार्ड, सर्टिफिकेट, जो भी अपडेट आएगी CCC से रिलेटेड वो आपको मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्लास टाइमिंग्स की बात करें तो रोज रात ऑनलाइन क्लास होती है 8 बजे और रोज रात 9 बजे क्या होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है। तो दोनों को देखते रहिए, साथ ही साथ प्रिपरेशन में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले मैंने कमेंट लिया है, आज कमेंट ऐड किया है, आए तो बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज हैं लेकिन मैंने ऐड नहीं किया, सिर्फ मैं एक कमेंट ले रहा हूं उनमें से। ठीक है, क्या है कमेंट? थैंक यू सर, आपकी वीडियो काफी हेल्पफुल रही है और मैं इसी की वजह से CCC पास हो गई। थैंक्स फॉर मेकिंग स्पेशल वीडियो अपलोडेड, थैंक्स अ लॉट अगेन। ये शशि जी का है जो अक्टूबर में जिनका एग्जाम था, क्लियर है, और प्रॉपर ये क्लास को फॉलो करती थी, साथ ही साथ बुक्स को भी पढ़ा, तो क्या हो गया, रिजल्ट अच्छा आया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं जिनका दिसंबर में पेपर है, प्रॉपर प्रिपरेशन करिए, ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन क्लास, साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते रहिए और बुक भी पढ़ते रहिए। यदि प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप आसानी से क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। क्लियर है, तो घबराने की जरूरत नहीं, मेहनत करिए, प्रिपरेशन करिए, सभी लोग क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ऑनलाइन टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, QR कोड का प्रयोग करके URL को शेयर कर सकते हैं? ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। तो बताइएगा आंसर क्या होगा, आंसर आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, साथ ही साथ आप चैट में भी आंसर क्या कर सकते हैं, तो बता सकते हैं। ठीक है, तो बताइए भाई राइट आंसर क्या है। 5 सेकेंड है आपके पास, टाइम होने वाला है आपका। तो जी हाँ, आपका टाइम हो चुका है और राइट आंसर होगा ट्रू। जी हाँ, हम लोग QR कोड का प्रयोग करके URL को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन नॉन वोलाटाइल मेमोरी है? ए ऑप्शन वर्चुअल मेमोरी, बी ऑप्शन कैश मेमोरी, सी ऑप्शन रैम मेमोरी, डी ऑप्शन रोम। तो बताइएगा नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है इनमें से। 5 सेकेंड है आपके पास, कमेंट और चैट दोनों में ही आप आंसर कर सकते हैं। तो जी हां, इसका राइट आंसर क्या होगा, रोम होगा। रोम क्या है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, याद रखिएगा, रोम नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। अब यहां पर एक छोटा सा आपको होमवर्क दे रहा हूं, वर्चुअल मेमोरी क्या है और इसकी स्पेस कहां पर होती है, वर्चुअल मेमोरी क्या है और इसकी स्पेस कहां पर होती है, ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। और नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन होती है, रोम। वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है, रैम। प्रोसेसर में कौन सी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी। प्रोसेसर में कौन सी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बुलेट्स में यदि लेबल चेंज करना है तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन है Ctrl+B, बी ऑप्शन है टैब, सी ऑप्शन है F3, डी ऑप्शन है एंटर। तो बताइएगा राइट आंसर क्या है, 5 सेकेंड है आपके पास, कोशिश करिएगा सही आंसर बताने की, चैट या कमेंट किसी में भी आंसर बता सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी अपडेट आएगी CCC से रिलेटेड वो आपको मिलती रहेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टैब, याद रखिएगा। लेबल चेंज करना है तो क्या होगा, टैब की यूज करेंगे बुलेट्स में। जरा समझिएगा, लेबल होता क्या है, ये मान लीजिए 1 लेबल है, इसके अंदर क्या है, बुलेट है, तो लेबल 2, और फिर इसके अंदर कोई बुलेट हो तो लेबल 3 हो जाएगा। क्लियर है, तो लेबल चेंज करने के लिए टैब की का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? ए ऑप्शन MS Access, बी ऑप्शन बेस डेटा, सी ऑप्शन ओरेकल और डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। ए ऑप्शन है MS Access, बी ऑप्शन है बेस डेटा, सी ऑप्शन है ओरेकल और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो बताइएगा कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, थोड़ा ऑप्शंस में गड़बड़ हो गई है।
चलो दिख रहा होगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा इसका। 5 सेकेंड्स है आपके पास। कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है ये पूछा गया है इसमें, राइट आंसर चैट में बता सकते हैं। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। क्लियर है, सभी क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस में एमएस एक्सेस होता है, लिब्रे ऑफिस में बेस डेटा होता है, और ओरेकल एक सेपरेट डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो तीनों क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। इन तीनों एग्जांपल को क्या करिएगा, लिख लीजिएगा, एमएस एक्सेस, बेस डेटा और ओरेकल तीनों क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, SQL stands for A option structured query language, B option statement query language, C option simple query language, D option none of the above। तो बताइएगा राइट आंसर क्या है, 5 सेकेंड्स है आपके पास। और ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं रोज ऑनलाइन टेस्ट में होते हैं, ये आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो प्रॉपर याद करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अलाइनमेंट बिगड़ गया, चलिए कोई बात नहीं। लिब्रे ऑफिस में इंप्रेस का फाइल एक्सटेंशन होता है, ए ऑप्शन ODS, बी ऑप्शन ODP, सी ऑप्शन ODT, डी ऑप्शन ODM। तो बताइएगा राइट आंसर क्या है, यहां पर पूछा यह है कि इंप्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। ए ऑप्शन है ODS, बी ऑप्शन है ODP, सी ऑप्शन है ODT, डी ऑप्शन है .ODM। तो जी हां, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। लिब्रा ऑफिस में क्या होगा इसका आंसर, राइट, तो इसका राइट आंसर होगा बी, ODP। क्लियर है, ODP इंप्रेस का क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ए ऑप्शन विंडोज, बी ऑप्शन लिनक्स, सी ऑप्शन MS-DOS, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। निम्नलिखित में कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बताइएगा राइट आंसर, 5 सेकेंड्स है आपके पास, चैट में भी आंसर बता सकते हैं, साथ ही साथ कमेंट करके भी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 सेकेंड्स आपके हो गए हैं, और राइट आंसर होगा MS-DOS। लिनक्स और विंडो दोनों ही क्या है, मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि यहां पूछा है सिंगल यूजर, तो MS-DOS क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किसी फाइल या फोल्डर को परमानेंटली रूप से हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, ए ऑप्शन Ctrl+Delete, थोड़ा ऑप्शंस में आज गड़बड़ हो गई, चलिए कोई बात नहीं, बी ऑप्शन Shift+Delete, सी ऑप्शन Alt+Delete, डी ऑप्शन नन ऑफ द एबव। तो यहां पे परमानेंट डिलीट की शॉर्टकट की पूछ रहा है, तो बताइएगा फाइल या फोल्डर को परमानेंट हमेशा के लिए स्थायी रूप से डिलीट करना है, तो क्या होगा, ए ऑप्शन Ctrl+Delete है, बी ऑप्शन Shift+Delete है, सी ऑप्शन Alt+Delete है, डी ऑप्शन नन ऑफ द एबव है। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, तो जी हां, इसका जो राइट आंसर होगा वो Shift+Delete, बहुत बार पूछा गया, याद कर लीजिएगा। यदि किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए डिलीट करना है, मतलब ये है कि वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, तो क्या करना है, शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे, तो जो चीज हम डिलीट कर रहे होंगे वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। और लेकिन यदि हम नॉर्मल डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर से तो डिलीट होगा लेकिन रिसाइकल बिन में चला जाएगा। और यहां पर पूछा क्या था, परमानेंटली डिलीट करने की शॉर्टकट की, तो Shift+Delete, Shift+Delete परमानेंटली डिलीट करने की शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इक्वल टू mod 15,2 का रिजल्ट क्या होगा, ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 1। तो बताइएगा राइट आंसर क्या है, 5 सेकेंड्स है आपके पास। और फंक्शंस की क्लास हो चुकी है दिसंबर बैच के लिए, जिन लोगों ने वो क्लास मिस की है रात 8 वाली, तो वहां पे जाकर वो क्या कर सकते हैं, लिब्रा ऑफिस में कैलसी के जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो पढ़ाए गए हैं,
तो वहां पर दो क्लासेस हैं, देख लीजिएगा, अभी एक क्लास रिमेनिंग है तो बहुत जल्दी वो भी आपको मिल जाएगी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो वन होगा। क्लियर है, मॉड फंक्शन शेषफल करता है, वापस करता है तो टू और फिफ्टीन, फिफ्टीन को क्या करोगे, जब टू को क्या करोगे भाई, डिवाइड करोगे ना, ठीक है, 15 को क्या करोगे, डिवाइड करोगे 2 से, तो 1 रिमाइंडर बचेगा, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, IMPS का पूर्ण रूप है, ए ऑप्शन इमीडिएट फंड ट्रांसफर सर्विस, बी ऑप्शन इमीडिएट पेमेंट सर्विस, सी ऑप्शन इंटर पेमेंट सर्विस, बी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो बताइएगा राइट आंसर क्या है, यह भी बहुत बार पूछा गया है, खासतौर से रिसेंट एग्जाम में बहुत बार क्या किया जा चुका है, पूछा जा चुका है। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा इसका, तो इसका राइट आंसर होगा बी, इमीडिएट पेमेंट सर्विस होगा। क्लियर है, बी ऑप्शन क्या होगा इसका सही होगा, समझ गए, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्लियर है IMPS का फुल फॉर्म। तो ये था आज का ऑनलाइन टेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल आईडी कर सकते हैं, साथ ही साथ देखना ना भूले रोज रात 9 बजे ऑनलाइन टेस्ट, रोज रात 8 बजे CCC की क्लास होती है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो मिलते हैं कल रात 9 बजे नए ऑनलाइन टेस्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, और बहुत ही जल्दी आपको फुल मॉड्यूल मिलेगा, फुल मॉडल पेपर मिलेगा, ठीक है, जिसमें 100 या 50 क्वेश्चंस का क्या होगा, वैसे कोशिश रहेगी कल मतलब वेडनेसडे या थर्सडे से आपको 100 क्वेश्चंस के 5 मॉडल पेपर प्रोवाइड कर दिए जाएं। क्लियर है, तो देखना मत भूलिए, रोज रात 9 बजे मिलते हैं कल ऑनलाइन टेस्ट में, गुड बाय।